में उत्तराखंड के विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने ढाका में आयोजित कॉमनवेल्थ संसदीय सम्मेलन में भाग लेकर वापस भारत लौट आए हैं। देहरादून में शुक्रवार को पत्रकारों के साथ एक प्रेसवार्ता की गई। प्रेसवार्ता में प्रेमचंद अग्रवाल के दौरे के बारे में बताया गया। वहीं ढाका में आयोजित कॉमनवेल्थ संसदीय सम्मेलन में भाग लेकर भारत लौटे विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल से खास बातचीत की साधना प्लस उत्तराखंड के धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने। उत्तराखंड विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल जो अभी ढाका में आयोजित 63वें सीपीए सम्मेलन में भाग लेकर लौटे हैं, इस दौरान उन्होंने ढाका, सिंगापुर, हांगकांग और टोक्यो का भी विजिट किया। उनसे बात करते हैं उनके इस विजिट के बारे में। आपका ये जो ढाका विजिट था, एक बहुत लंबा विजिट था, और उसमें आपके क्या अनुभव रहे उसे बताइए। देखिए, पहली बार मुझे सीपीसी कॉन्फ्रेंस में जाने का मुझे मौका मिला, और इंडिया की तरफ से मुझे उत्तराखंड के इस अध्यक्ष विधानसभा होने के नाते मुझे मौका मिला, और मुझे खुशी है इस बात की कि वहाँ के प्रधानमंत्री जी द्वारा जो उद्घाटन किए गए इस कॉन्फ्रेंस में मुझे अपनी बात कहने का मौका मिला। पहली उसमें क्लाइमेट चेंज पे मैं अपनी बात रख पाया, और दूसरे सब्जेक्ट यानी कि हमारे यहाँ शासकीय प्रक्रियाओं में युवाओं की प्रभावी भागीदारी के ऊपर मुझे बोलने का मौका मिला। क्योंकि हमारा भारत देश 35 वर्ष की कम आयु के 65% उसकी जनसंख्या है, और यहाँ पे चूंकि युवाओं की भागीदारी में माननीय प्रधानमंत्री जी का भी बहुत बड़ा योगदान है, उनका रुझान रहता है, उनकी सोच रहती है, तो ऐसे में हमारे इस सब्जेक्ट पे मेरे को उसमें मौका मिला, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे इस बात की और खुशी है कि मुझे वहाँ जब बोलने का मौका मिला तो मैंने हिंदी में बोला, और हालांकि मैं बहुत आश्वस्त तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं पहला व्यक्ति हूँ जिसने वहाँ हिंदी में इस प्रकार के इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका मिला। आपकी विधानसभा में 30% विधायक युवा हैं जो पहली बार विधानसभा पहुंचे हैं, ऐसे हालात में जो आपकी ये विजिट है, ये कितनी प्रभावी होगी उनके लिए? निश्चित रूप से एक संदेश तो देती है, जहां भी कहीं भी आज बात होती है वो युवाओं के प्रति बातचीत होती है, और हमारे यहाँ के जो माननीय विधायक जो युवा है तो उनका भी मैं देखता हूँ, जिस प्रकार से उनका अपना प्रस्तुतिकरण है, जिस प्रकार से उनके अपने काम करने की तौर तरीके हैं, वो बहुत अच्छे हैं। और हमारे यहाँ उत्तराखंड में तो वैसे भी चाहे युवा हो चाहे थोड़ा सा उससे ऊपर उम्र के भी हो, तो अपनी प्रतिभाओं का हमेशा वो प्रदर्शन करते रहे। गैर सर में जो विधानसभा का सत्र आयोजित होना है 7 दिसंबर से, उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी ने कई सवाल उठाए हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, कांग्रेस क्या सवाल उठा रही है मुझे उस पर नहीं कहना है, लेकिन मुझे इतना कहना है कि कांग्रेस ने पिछली बार जब यहाँ पे हमने सत्र किया तो उन्होंने ये सवाल उठाया कि आपने गैरसैंण में क्यों नहीं किया, अब हम गैरसैंण कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वहां क्यों कर रहे हैं, तो वहां कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं, तो ये सवाल कुछ विरोधाभासी लगता है मुझे। और मैं तो इस बात को दूसरे रूप में कह रहा हूं कि हम लोग पहाड़ के रहने वाले लोग हैं, चुनौतियों से डरते नहीं है, चुनौतियों का मुकाबला करते हैं, उन मामलों में हम सक्षम है, तो कहीं ना कहीं यदि छोटी मोटी चुनौती यदि आ भी रही है तो हमारे वहां जो रहने वाले गैरसैंण के लोग हैं, कल को राजधानी की हम लोग बात करते हैं, फिर यदि वहां जाने में भी संकोच करेंगे, जाने में भी हम अपनी बात को ये कहेंगे साहब वहां पे परेशानी है, तो मैं नहीं समझता फिर हम उस बात पे कहीं ना कहीं ईमानदारी से अपनी बात कह पा रहे हैं। गैरसैंण में निर्माण कार्य को लेकर एनजीटी विधानसभा की तरफ से जवाब जाना है, उसके बारे में आपकी क्या तैयारी है? देखिए, अभी 4 देशों की यात्रा करने के बाद मैं कल ही लौटा हूं, तो मेरा मानना है कि अभी उसकी पूरी गहराई से हम लोग जानकारी ले लेते हैं, और कुछ ऐसा होगा तो अपने एक्सपर्ट से हम लोग बात करेंगे कैसे उन बिंदुओं को, उनके क्वेरीज को हम लोग मिट आउट कर सके। हाँ, इतना मैं कह सकता हूं कि ये पहले वाले कार्यकाल में जो हमारे माननीय अध्यक्ष जी रहे या दूसरी जो सरकार रही, ये शायद उस समय ये सवाल आना चाहिए था, क्योंकि आज 7 महीने बाद यदि ये सवाल उठ रहा है और इसमें एक भी इंच का नहीं हुआ, तो मान लीजिए उसी टाइम का हुआ, तो इसमें मेरा ये कहना है कि अब आने वाले जो भी हमारे काम होंगे, निर्माण करें भी तो बहुत होने, यदि वो होंगे तो वो उनके मानकों के अनुसार होंगे। मैं एनजीटी का पूरा सम्मान कर रहा हूं, उनके जितने भी बिंदु उस बीच में जो भी निर्माण कार्य हुए हैं, यदि उस पर भी कोई प्रश्न लगे उनको मिट आउट करेंगे, सॉल्व करेंगे, क्योंकि एनजीटी का सम्मान करना हमारी पहली जिम्मेवारी है। साधना प्लस से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपका भी धन्यवाद, सबका धन्यवाद, थैंक यू। ये थे हमारे साथ उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल, जिन्होंने गैरसैंण में आयोजित हो रहे विधानसभा सत्र को लेकर के सभी पार्टियों को आश्वस्त किया है कि वहां सभी
व्यवस्थाएं बिल्कुल यथोचित होंगी और वहां बिल्कुल निर्विघ्न ढंग से विधानसभा सत्र का आयोजन किया जाएगा। कैमरामैन विकास शाह के साथ धीरेन्द्र प्रताप सिंह, साधना प्लस, देहरादून।